संसद के भीतर नीट पर चर्चा, माइक बंद। सर माइक तो दे दीजिए। संसद के भीतर विपक्ष ने जब नीट का मुद्दा उठाना चाहा, तो वो कार्रवाई से बाहर। साल में 70 बार पेपर लीक होता है। आई डू नॉट साल में नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। सदन के भीतर इस देश के लाखों नौजवानों के भविष्य से जुड़े मसले पर संसदीय परंपरा में रास्ता नहीं है। सड़क के बाहर प्रदर्शन। युवाओं में आक्रोश। विपक्ष के नेताओं की ट्वीट से लेकर के ये पैगाम कि वो इस आक्रोश की आवाज को बुलंद करेंगे। और इस देश में पेपर लीक के मुद्दे एक साथ हावी है। क्या आपने कभी सोचा है कि पिछले 7 साल में 70 पेपर का लीक होना इस देश की बुनियाद के साथ कितना बड़ा खतरा बन गया है? धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री, क्या आपको पता है कि एनटीए का जो सर्वे सर्वा है उसके तार संघ से जुड़े होने के और विवादित होने के आपके सामने आए? वही एनटीए जिसके बारे में अभी ये खबर आ रही है कि पिछले कुछ ही वर्षों में जाने कितने मामले उसके कोर्ट में चले गए, कोई कोई परीक्षा रद्द होती चली गई, और पिछले कुछ ही वर्षों में कई अरब रुपए की मालिक बन गई एनटीए, लेकिन इस देश के लाखों नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता रहे एनटीए। आपका पेपर लीक हो जाए, पेपर लीक के आरोपी पकड़ में आने लगे, मगर पेपर कैंसिल नहीं होगा, रीनीट नहीं होगा, बताइए ये सवाल आपके बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है कि नहीं? आज के वीडियो में इस पर बात करेंगे विस्तार से। संसद की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद जब पहली बार ये कोशिश की गई कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर विपक्ष चर्चा करेगा, तो विपक्ष ने एक मांग उठाई कि इस देश के लाखों नौजवानों का भविष्य संकट में है। इस देश में एक ऐसी परीक्षा जो जिसका पेपर लीक होने के पूरे पुख्ता प्रमाण आ गए हैं, उस पर चर्चा देश के नौजवानों के भविष्य के साथ जरूरी बात है, मगर अहंकार, दंभ या एक तरह से उलाहना देते हुए, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, इस बात पर चर्चा होने के पहले बार बार माइक बंद कर दिए गए। असल में माइक बंद इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर ही चर्चा हो सकती है, बाकी सब नियम विरुद्ध है। विपक्ष इस बात पर अड़ा रहा कि नहीं, आज की तारीख में नीट परीक्षा पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। विपक्ष ने अपना तेवर उस दिन भी दिखा दिया था जब धर्मेंद्र प्रधान शपथ लेने आए, जो शिक्षा मंत्री हैं। लेकिन वो ऐसे मंत्री हैं जो मीडिया में बयान दे देते हैं कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है और बाद में माफी मांगते हैं, उनकी कोई जवाबदेही नहीं। प्रधानमंत्री जब उनका परिचय कराते हैं तब भी हूट कर दिए जाते हैं, लेकिन आज सदन में माइक बंद हो रहा था बार बार, और अचानक उपराष्ट्रपति जो सभापति राज्यसभा के हैं वो तो इतने व्याकुल हो गए कि कहने लगे कि लोग वेल में आ गए। मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया कि नेता प्रतिपक्ष वेल में आ गए, दागी हो गया आज का दिन। 7 साल में 70 बार पेपर लीक होता है। आई डू नॉट तो क्या है? विल गो ऑन रिकॉर्ड। 7 साल में नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। 70 आई एम नॉट गेटिंग नो। लीडर ऑफ द अपोजिशन इज एक्सपेक्टेड टू कन्फाइन टू द इश्यू। नो सॉरी सर, सॉरी प्लीज सर, सर सर बैठिए बैठिए बैठिए, प्लीज प्लीज Take your seat. Nothing will go on record.
गोया इसके पहले बीजेपी जब विपक्ष में थी तो वो विपक्ष की भूमिका में वेल में नहीं आया करती थी। ये कितना दिक्कत तलब बात है कि यह दिक्कत इसलिए भी है कि आप असल में विपक्ष को सवाल उठाने का मौका देना दागी होने को कह रहे हैं, और ये बेचैनी दिखाती है कि आप जनता के मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहते, इसलिए बार बार माइक बंद कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में बात साफ कही कि नीट एंड क्लीन एग्जाम होना चाहिए। देश के हजारों नौजवानों के साथ, लाखों उम्मीदों के साथ, ये एक किस्म का धोखा है, ये एक किस्म का अन्याय और अत्याचार है, और इसलिए तत्काल इस पर बात होनी चाहिए, सुनवाई होनी चाहिए। राहुल गांधी जब बोल रहे थे तब भी उनकी बात को रोका गया, जब मल्लिकार्जुन खड़गे नेता प्रतिपक्ष ये बात कहना चाह रहे थे तब भी उन्हें रोका गया। इस तरह से सदन के भीतर वो चर्चा नहीं हो पाई, इसलिए विद्यार्थियों ने लगातार अब ये सोच लिया कि वो खुद आंदोलन करेंगे। देश में जाने कितने नौजवान आक्रोशित हैं, जिस देश का नौजवान आक्रोशित होकर एक सवाल पूछे कि क्या एनटीए को केवल पैसा कमाने की एजेंसी के रूप में बना दिया गया। ये एक आरटीआई के आंकड़े अखबार की कतरनों में है कि चंद वर्षों में कई अरब रुपए, क्या ये एनटीए बेरोजगार बच्चों से पैसा कमाने की एक संस्था मात्र बन गई है। एक सवाल आप अगर अभिभावक हैं, नौजवान हैं, तो एक बार सोचिएगा, क्या इन परीक्षाओं में इतना पैसा खर्च होता है जितना ये परीक्षा कराने के नाम पर लेते हैं? और अगर परीक्षा कराने के नाम पर इतना पैसा लेते तो अखबारों की ये कतरने क्या बताती। जिन जगहों पर परीक्षा का सेंटर ही नहीं, उन जगहों पर ओएमआर शीट मिल रही है, स्कैम चल रहा है, धंधा चल रहा है, 25 लाख 50 लाख रुपए बोली लगाई जा रही है। यूपी के एक एमएलए का तो स्टिंग ऑपरेशन आया कि वो तो बाकायदे इस बात का धंधा चला रहा है, कई राज्यों में उसके ऊपर मुकदमा है, और वो एमएलए आज की तारीख में बीजेपी का एलआई पार्टनर है। हरियाणा में जिस स्कूल से नीट के विद्यार्थियों का एक साथ कई विद्यार्थियों के टॉप होने का मामला आया, उस स्कूल के मालिक का रिश्ता बीजेपी से जुड़ रहा है, ये खबरें तो अखबार बता रहे हैं। नीट का मामला इतना पेचीदा, जरा एक बार आप ठहर कर सोचिएगा। नीट के विद्यार्थियों के साथ धांधली की कहानी तो बहुत लंबी है, लेकिन केवल इतनी सी बात समझिए कि कुछ विद्यार्थियों को इस आधार पर ग्रेस मार्क मिल जाए कि उन्हें परीक्षा में टाइम कम मिला, या इस तरह की कोई कहानी गढ़ ली जाए, और ग्रेस मार्क दे करके एक साथ 720 नंबर में 720 नंबर ला करके एक नहीं कई टॉपर बन जाए, और कई विद्यार्थियों के ढेर सारे नंबर ग्रेस मार्क यानी नॉर्मलाइजेशन के तहत मिल जाए। इसमें इतनी बड़ी धांधली थी, जिसका आरोप जब लगाया गया, विद्यार्थियों ने आवाज उठाई, कुछ और लोगों ने जब आवाज उठाई, एनटीए ने अपनी गलती मान ली, और जब एनटीए अपनी गलती मान चुका है और उसके बाद शिक्षा मंत्री ये कहते नहीं नहीं धांधली नहीं हुई है, पेपर लीक नहीं हुआ है, अब खबरें लगातार ये आ रही हैं कि एक नहीं कई राज्यों से पेपर लीक स्कैम में शामिल लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं, लगातार उनकी गिरफ्तारी हो रही है। और अगर कोई गुनाह नहीं हुआ है तो गिरफ्तारी क्यों हो रही है? और अगर गिरफ्तारी हो रही है तो इसका मतलब पेपर लीक हुआ है, और अगर पेपर लीक हुआ है तो पेपर कैंसिल क्यों नहीं हो रहा है? और तत्काल अगर पेपर कैंसिल न हो करके उनको अतिरिक्त मौका नहीं मिलेगा तो फिर उन विद्यार्थियों के भविष्य के साथ क्या सलूक होगा? ये इस देश के नौजवानों का सवाल है, और इसलिए इस सवाल पर अगर सदन के भीतर चर्चा नहीं होगी, इस सवाल पर समाज के भीतर चर्चा नहीं होगी, तो क्या अब इस तरह के सवाल उन लोगों के हिस्से छोड़ दिया जाए जिनके बेटे या बेटियां नीट के परीक्षा में बैठ रहे हैं? क्या ये चिंता केवल उन्हीं की है? और अगर चिंता केवल उन्हीं की है तो उनके मुद्दे पर आप चुप हैं तो कल को आपके मुद्दे पर कोई और भी चुप रहेगा। और सवाल केवल नीट मात्र का नहीं है, इसी एनटीए ने नीट पीजी का एग्जाम कैंसिल कर दिया। इस नोटिफिकेशन को गौर से देखिए, नीट पीजी के एग्जाम को कैंसिल करने के पीछे एनटीए कह रहा है कि इस पेपर में भी धांधली की संभावना है, विद्यार्थियों के साथ अन्याय न हो इसलिए नीट पीजी का एग्जाम हम रद्द कर रहे हैं। यूजीसी नेट का एग्जाम, यूजीसी नेट के एग्जाम को भी एनटीए इस बात के लिए रद्द कर रहा है कि हमें संदेह है कि इसमें भी पेपर लीक हो सकता है,
हम सीबीआई जांच कराएंगे। एनटीए ने जितने एग्जाम ऑर्गेनाइज्ड नहीं कराए, नौकरियां नहीं दी, उससे ज्यादा तो एनटीए के एग्जामों पर कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं, पेपर लीक होते गए। और अगर सरकार की जवाबदेही पेपर कराना नहीं है, सरकार सब कुछ तय कर रही है, सरकार ने एनटीए बनाया है, सरकार की बनाई हुई संस्था एनटीए पेपर ले रही है, तो अगर एनटीए में धांधली होती है तो इसकी जिम्मेदारी क्या सरकार की नहीं है? क्या शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी नहीं है? इसीलिए सदन में लोग चाहते थे कि नीट पर चर्चा हो। हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें आप। सुनिए सुनिए, जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम ज़रूरी मानते हैं, और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। नहीं माने प्लीज। ओके, अगर आप इस देश के जागरूक नागरिक हैं तो ये चिंता तो आपको भी होनी चाहिए ना कि क्या इस देश का इतिहास अब यही होना चाहिए कि 7 साल में 70 पेपर लीक। और अगर कोई सरकार पेपर नहीं करा सकती तो वो नौजवानों को रोजगार क्या देगी? इस देश के प्रधानमंत्री तो बोल चुके हैं कि पकौड़ा बेचना भी रोजगार है, लेकिन एक बात इस देश के नौजवानों से पूछिए, सालों साल 10x10 के कमरे में रह करके नाम मात्र का पैसा घर से आने के बाद बड़ी मुसीबत में दिनचर्या बिता करके वो इस देश में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी किया करते हैं, उनके दर्द तक कोई पहुंचता नहीं। और जिन विद्यार्थियों ने पेपर लीक होने के बाद सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली, उन परिवारों का आंसू पोंछने शायद कोई हमले से नहीं जा पाएगा, उनका दर्द समझने कोई नहीं जा पाएगा। इसलिए पेपर लीक का मसला केवल उन नौजवानों से जुड़ा हुआ नहीं है। अब इस देश में नौजवानों का एनटीए जैसी संस्था से यकीन उठ गया, भरोसा उठ गया। इस देश के नौजवानों का शिक्षा मंत्री से भरोसा उठ गया। इस देश के नौजवानों का सरकार से भरोसा उठ रहा है कि आप अगर इम्तिहान ढंग से नहीं करा पाएंगे तो आप रोजगार क्या ही देंगे। ऐसे वक्त में इन बातों पर सदन में चर्चा खुले माइक और खुले मन से करनी पड़ेगी, वरना उन सवालों तक फिर देश कब जाएगा कि लाखों करोड़ों रुपए का बिजनेस चल रहा है पेपर कराने में, एग्जामिनेशन फीस के नाम पर जो बेरोजगार हैं वो बेरोजगार उधार लेकर के पढ़ाई भी कर रहे हैं और ऐसी परीक्षाओं का फॉर्म भर रहे हैं जो परीक्षाएं होंगी कब इसका पता ही नहीं। एकेडमिक कैलेंडर जैसा अब इस देश में कुछ बचा नहीं, जो परीक्षा हर साल होनी चाहिए वो 5 साल बाद भी नहीं हो पाती है, और अगर परीक्षा इतने के बाद भी हुई तो पेपर लीक हो जा रहे हैं। और अगर इतने पेपर लीक हो रहे हैं तो ऐसे वक्त में जब देश में 100 में से 85 नौजवान बेरोजगार हैं, क्या ये सबसे बड़ा मुद्दा देश का नहीं बनेगा? क्या सब कुछ रोक कर इस पर सरकार को जवाब नहीं देना चाहिए? क्या प्रधानमंत्री को इस पर बोलना नहीं चाहिए? क्या इन बातों पर आप जैसे नागरिकों को सोचना नहीं चाहिए? एक बार सोचिएगा, कलम किताब बिक जाएगी ना, शिक्षा बर्बाद हो जाएगी ना, और आपके बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा तो कितने दिन आप हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद की सियासत में मशगूल रहेंगे? विचार करिएगा। शुक्रिया।